हेलो स्टूडेंट्स, क्लास है साड़ी 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन है साड़ा 8th। सो क्वेश्चन दे विच साड़े को की है, वाई का वह मुल पता करो, मतलब कि कोई वैल्यू जी फाइंड करनी है असी वाई की, जिस दे लई बिंदु पॉइंट्स ने साड़े कोल पी अते क्यू ते विचकार दी दूरी। सो डिस्टेंस बैटवीन पॉइंट्स, सो इन्ह पॉइंट्स के विचकार जो डिस्टेंस है साढ़े को कितना है 10 इकाइयां, जिसनों असं लिखते हैं 10 यूनिट्स होवे। सो हुण देखो साढ़े को क्या कि वाई का मुल पता करो, ये दो पॉइंट्स के उत्ते, सो इन्हों के विचकार जो असीं दूरी फाइंड करते हाँ तो साढ़े को कितनी आती है 10 यूनिट्स आती है। सो सोल्यूशन है साढ़े को, एक पॉइंट है साढ़े को पी, एक है क्यू, सो इन्हों के विचकार जो असीं डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो साढ़े को कितना आता है 10 यूनिट्स। क्लीयर, सो पी दे पॉइंट्स हैं साढ़े को 2, -3 और क्यू दे पॉइंट्स हैं साढ़े को 10, y। सो हम असी वाई की वैल्यू सूँ फाइंड करने कहा गया है कि वाई कितना होएगा कि जेड़ घड़ी की दूरी साढ़े को जो 10 इकाइया बन जाए। सो फाइंड करते असी पी क्यू द डिस्टेंस, सो फॉर्मूला साढ़े को भी होएगा x2 - x1 का होल स्केयर प्लस y2 - y1 का होल स्केयर। सो सानू पता है कि पॉइंट पी पहला लिखे एक्स वन पॉइंट तो वाई वन ये होने एक्स टू और वाई टू पॉइंट्स जोड़े ने पॉइंट क्यू दे। सो साढ़े को असी वैल्यूज जो पुट करते हैं कि आता है 10 - 2। सिंपल सानू दस्या कि असी जेकर पी क्यू लिख रहे हैं तो क्यू के पॉइंट्स चो पी दे पॉइंट माइनस करने हैं, फस्ट पॉइंट चो फस्ट पॉइंट माइनस, सैकेंड चो सैकेंड माइनस, प्लस होल स्केयर इतने साढ़े को आ गया y-3। सो पहले माइनस में है साढ़े को हो गया प्लस, यदा आ गया होल स्केयर साढ़े को। हुण देखो साढ़े को आता 10 - 2, सो ये साढ़े को आ गया 8² प्लस y+3। सो साढ़े को फिर एक 7th क्वेश्चन की तरह आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी a+b का होल स्केयर। ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन के हमेशा साढ़े को आइडेंटिटी आएगी जो तो a+ वाली जो a- वाली आएगी, ठीक है, जिस तरह 7th क्वेश्चन के दोवें आइडेंटिटी साड़ियाँ यूज हो गई सी। सो देखो जो भी इस तरह साढ़े को बन गया, ठीक है, ये साढ़े को होंगे a² प्लस 2ab प्लस b². सो दूसरा होर तरह लिख सकते हैं असं a² प्लस b² प्लस 2ab। सो इस तरह भी असं जो लिख सकते हाँ। सो साढ़े को a हो गया, a हो गया b साढ़े को, सो सब तो पहला आ गया y² प्लस फिर आ गया साढ़े को 2 a किन्ना साढ़े को y और b किन्ना 3, फिर साढ़े को गया प्लस 3 का स्केयर। तो साढ़े को बनता है 8 8 = 64 प्लस वाई का स्क्यर प्लस 2 3 = 6y प्लस 3 3 = 9। हुण साढ़े को आ गया, हुण देखो जो पी क्यू का डिस्टेंस किन्ना है 10 यूनिट्स, हो यदा मतलब कि ये इक्वल टू आता साढ़े को 10 दे, ठीक है ना, पी क्यू की जगह असी 10 की वैल्यू जी पुट कर दी है। हुण इस तों बाद साढ़े को आएगा लिखो y² प्लस 6y, 64 प्लस 9 दोवें ऐड होणगे, दोवें वैल्यूज प्लस दी हन, साढ़े को आ जाएगा 73 = 10। हुण इस पॉइंट ते आके इस जदों तुसी स्टेप ते आ जांदे हां तां एक रूल जिहड़ा लगना है उसनूं तुसी ध्यान च रखना है, याद रखना है। इस साइड ते देखो तुहाडे को स्केयर रूट नहीं है, इस साइड ते स्केयर रूट तुहाडे को आ जाता है। सो जदों एक पासे वर्गमूल होवे दूसरी साइड ते वर्गमूल ना होवे तां असीं की करदे हां, दोवां पासे वर्ग, सो लिखते हैं स्केयर ऑन बोथ साइड्स, सो दोवां साइड ते असीं जिहड़ा वर्ग है वह कर देना है। सो दोवां पासे जो वर्ग करते हाँ तो साढ़े को आता है रूट वाई का स्केयर प्लस 6y प्लस 73 यदा स्केयर हो गया साढ़े को इज इक्वल टू 10 का स्केयर हो जाता है। सो इसका स्केयर साढ़े को कैंसल हो गया स्केयर रूट के नाल, साढ़े को आ गया y² प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 10 × 100 100 आ गया। सो y² प्लस 6y प्लस 73 100 हो गया साढ़े को माइनस इज इक्वल टू आ गया 0। साढ़े को आता है y² प्लस 6y माइनस हो जाएगा, दोवें वैल्यूज एक प्लस की एक माइनस की, साढ़े को होगा माइनस, सो साइन कि आएगा माइनस वाला। सो 100 दे विचों असी 73 माइनस करते हैं तो की आता है 10 * 3 = 7 9 * 7 = 2 27 आ गया। हुण वैल्यू देखो साढ़े को 100 माइनस का सी, ए प्लस का सी, सो माइनस प्लस या प्लस माइनस की होंगे माइनस, सो दोवें चो वैल्यू कि वड्डी है 100, सो आंसर का आएगा माइनस के। सो इतने आ गया साढ़े को माइनस का 27 इज इक्वल टू आ गया साढ़े को 0। हुण साढ़े को एक 2 घाती समीकरण,
है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो साढ़े को प्राप्त हो जाती है। सो जो साढ़े को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो ध्यान आ जाना चाहिए कि असी इस दे रूट जड़े ने जा मूल जड़े ने वो प्राप्त करने हैं। सो विद द मैथड ऑफ परफेक्ट स्क्वेयर मैथड, फैक्टराइजेशन मैथड या डिस्क्रिमिनेट मैथड। सो असी लगाने अपना फैक्टराइजेशन मैथड। सो जिस दे लिए असी वाई स्क्वेयर इस तरह ही लिखते हैं, पहला प्लस इस तरह लिखा 6y। सो जिस दी पावर एक होंदी है, इसकी पावर कितनी है 1। इसनों असी इस तरह एक ब्रैकेट लिख लैनी है, मतलब कि इसकी जगह तो दो वैल्यूज होर लिखनी है असी। सो माइनस आ गया साढ़े को 27। सो जेकर थानू फैक्टराइजेशन मैथड या परफेक्ट स्क्वेयर मैथड या डिस्क्रिमिनेंट का नहीं पता, तो 10th क्लास जो 4th चैप्टर साडा उस दी इंट्रोडक्शन क्लास जिहड़ियां ने उन्होंने ध्यान दे नाल जिहड़ा कि पहला सुन लिया जाए तो समझ लिया जाए। हुण देखो साडे को इन्हां दोवां नंबरस दी जिहड़ी कि दोवां टर्म्स दी जिहड़ी मल्टीप्लीकेशन आती है, गुणा आती किन्नी आती है, वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई -27। सो साडे को आएगा -27 वाई द स्क्वेयर। सो साडे को हुण वैल्यूज दो लिखणियां ने असीं इत्थे, जिन्हां नूं प्लस या माइनस करके कितना आ जाए 6 आ जाए, और जिन्होंने गुणा करके कितना आना चाहिए -27। सो 27 साढ़े को किस तरह बनते हैं, 9 3 27। सो जे माइनस हो जाए साढ़े को तो माइनस आ जाएगा। सो इसलिए जेकर असी कर दिए -9 + 3 तो साढ़े को कितना आ जाएगा -6। सो क्लीयर हो गया, ये साढ़े को आ जाएगा -9y + 3y। ये देखो ध्यान, 6y + चाहिए ना साढ़े को, इसका मतलब कि साढ़े को ये साइन चेंज होणगे। सो माइनस कितना आ जाएगा 3 के नाल, सो 9 - 3 हो जाएगा, साढ़े को पॉजिटिव चांसर आ गया 6। सो देयरफोर साढ़े को आएगा 9y - 3y आ जाएगा, ठीक है, फिर ही साढ़े को पॉजिटिव आएगा। जेकर असी पहला 9 ना नैगेटिव लगाते हैं तो साढ़े को इधर जिहड़ा कि 6y नैगेटिव आ जाता है, बट साढ़े को जिहड़ा 6y है कच चाहिए पॉजिटिव। हुण इस तो बाद असी ब्रैकेट नूं ओपन करना है, y² + 9y - 3y - 27 = 0। सो दो टर्म्स नूं असी एक सैट बना लेना है, इस दे विच असी जिहड़ी कॉमन फैक्टर है वो असी लिखना है। पहला साढ़े को कितना आता है वाई, सो इत्थे रह गया y + 9। हुण गल ध्यान च रखनी है, जेकर तुसी फोर्थ चैप्टर दियां क्लासेस लगाईयां हन जां वेखियां हन तां तुहानू इत्थे कोई भी प्रॉब्लम जिहड़ी ओह नहीं आवेगी। सो जो इस ब्रैकेट विच आया उही असी दूसरी ब्रैकेट दे विच लिख लेना है, लिख लिया y + 9। हुण देखो इत्थे कितना सी 3y, असी की लिखिया इकला वाई, सो 3 नहीं लिखिया, इहदा मतलब 3 कॉमन हो गया। सो 3 नूं मल्टीप्लाई करो, देखो 3y - 9 = 27, उही बन रहा साढ़े को, दोवां दे नाल माइनस है तो माइनस साढ़े को कॉमन आ गया, फिर इत्थे प्लस साढ़े को रहेगा। हुण देखो एक फैक्टर ये हो गया साढ़े को, एक सारा ये हो गया, हुण दोवां च साढ़े को कॉमन की आ रहा है y + 9, तो दूसरा साढ़े को है y - 3 = 0। सो असी एक दे विच y + 9 = 0 करांगे, दूसरे दे विच असी y - 3 = 0 करांगे। सो जो भी असी इस तरह रूट फाइंड करते हाँ तो साढ़े को जिहड़ा भी फैक्टर प्लस में आता है उसका आंसर आएगा नैगेटिव दे विच, जिहड़ा नैगेटिव दे विच आएगा उसका आंसर आएगा साढ़े को पॉजिटिव दे विच। सो इहदा मतलब साढ़े को इत्थे आंसर आ गया -9, ये साढ़े को आ गया +3। सो हमेशा जो साढ़े को एक नैगेटिव तो पॉजिटिव वैल्यूज आ जाए हैं आंसर दे विच, तां तुसीं हमेशा जिहड़ा कि पॉजिटिव साइन है उसनों काउंट करके चलना है। सो पॉजिटिव प्लस या पॉजिटिव साइन लो, सो टेक पॉजिटिव साइन, सो देयरफॉर y = कितना आ गया 3। सो इसलिए जिहड़ा साडे को y दी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.3। सो क्यू दे पॉइंट्स की होणगे साडे को 10.3। हुण जेकर तुसीं इह देखणा कि तुहाडा क्वेश्चन सही है तां उह किस तरह वेखणा है, तां तुसीं इधर भी वैल्यूज पुट कर सकते हो y दी जगह ते, ठीक है, तो जां तुसीं इधर भी वैल्यूज पुट कर सकते हो एक इक्वेशन दे विच, साडे को जिहड़ी इक्वेशन बनी है कि साडे को आंसर जिहड़ा 0 बन रहा है जां नहीं बन रहा। सो किस तरह देखदे आ, देखो ये साडी की है चैकिंग, ठीक है, आंसर चैकिंग। सो वाई कितना आया 3, असी कत्ते करता 3² + 6y - 27 = 0। सो यह आ गया 9 + 6 = 18 - 27 = 0। हुण देखो 18 ते 9 जोड़ दो साढ़े को कितना आ गया 18 + 9 कितना आ गया 27 - 27 = 0। सो 27 - 27 = 0, सो 0 = आ गया 0। इसलिए जो तुम वैल्यूज पुट करोगे तो साढ़े को राइट साइड से 0 पई होएगी, तो वो 0 साढ़े को बननी चाहिए है, जेकर बनती है तो साडा आंसर जिहड़ा वो सही है। दूसरी गल, तुसीं इत्थे y दी वैल्यू पुट करोगे तां तुहाडे को इस रूट दे विच जिहड़ा आंसर आएगा इहदा जो भी वैल्यूज बनेगी उसका आंसर 10 बनना चाहिए है। इसनों भी तुसीं करके चैक कर सकते हो। सो ये साडा क्वेश्चन नंबर 8।
उम्मीद करता कि जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 8 था तुहानू क्लीयर हो गया होगा। सो करना की है तुसीं हुण, जेकर वधिया लगा लाइक करना है, कोई कमी लगी है तो कमेंट करना है, वध तो वध बच्चों तक शेयर करना है। सो थैंक यू, मिलते हैं नैक्सट क्लास के नैक्सट क्वेश्चन के नाल।